चंद्रताल चैलेंज के दूसरे दिन पतलीकूल से हमने चुनौती दे दी थी रोहतांग दर्रे को। मैं और जसप्रीत बहुत ही एक्साइटेड थे। सफ़र मुश्किल था मगर उत्साह और विश्वास में कमी ना थी। वेदर की सेटिंग भी बहुत परफेक्ट थी। कोठी और गुलाबा तक का सफ़र हरे भरे पेड़ों की टनल में से गुजरता है। ये एक बहुत ही जॉयफुल और रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस था। मैं बताना चाहूँगा कि हिमालय की तरफ जाते हुए गुलाबा तक ही हरे भरे पेड़ नज़र आते हैं। इसके बाद हिमालय शुष्क है और तकरीबन वनस्पति विहीन है। गुलाबा से आगे के सफर के दौरान सूरज बिल्कुल सर पर था मगर बर्फीली हवाओं के झोंकों ने फटीग आने ही ना दी। मड़ी से आगे सड़क के दोनों तरफ बर्फ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच से निकलकर हम पहुंच के 4000 मीटर ऊंचे रोहतांग पास पर। चंद्रताल चैलेंज की सबसे बड़ी परीक्षा में हम सफल होकर बहुत ही खुश और संतुष्ट थे। रोहतांग पर बर्फीली तेज हवा के बीच कुछ समय रुककर हम उतर गए लाहौल घाटी के कोकसर की तरफ। साढ़े 8 घंटे की राइड में 86 किलोमीटर की दूरी तय की और तकरीबन 3000 मीटर का एलिवेशन गेन किया। आज की चुनौती को पार करना सचमुच में एक अद्भुत अनुभव था।